फ्रेंड्स आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगी आप बिग मी द सिलेंडर ऐप में कोड स्टोर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिग मी द सिलेंडर ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब ओपन कर लूँगी। फ्रेंड्स आपको यहाँ दो ऑप्शन पूछा जाएगा, एक है क्रिएट योर अकाउंट, एक है क्लिक हियर टू लॉग इन। अगर फ्रेंड्स आप बिग मी द में नए हैं, आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट पहले से ही बना रखा है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहाँ क्लिक हियर टू लॉग इन पर भी क्लिक करके अपना अकाउंट रीओपन कर सकते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू। मैं आपको यहाँ अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स आपको यहाँ फुल नेम डालना है, देन आपका ईमेल, देन आपका मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स मैंने ये ऐसे ही डाल दिया, आपको आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, देन आपके मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी इधर एंटर करना है, देन पासवर्ड, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है फ्रेंड्स, देन रजिस्टर। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा अकाउंट रजिस्टर। देन आपको यहाँ स्टोर लिस्टिंग लेना है। स्टोर लिस्टिंग में आपको आपकी शॉप की नेम डालनी है, तो मैंने डाल दिया। देन आपको शॉप की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कोड स्टोर ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन आपको आपकी लोकेशन इधर डालनी है। फ्रेंड्स से लोकेशन सेट करते टाइम आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन रहनी चाहिए, देन सेव। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है आपका, और उसकी आपकी सिटी, आपका एरिया, देन आपका परमानेंट फुल एड्रेस, आपका आधार कार्ड इधर अपलोड करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। देन ट्रेड लाइसेंस, देन FSSAI लाइसेंस। फ्रेंड्स आपको यहाँ आपकी स्टोर की फोटो ऐड करनी है, देन रजिस्टर। ये हो गया फ्रेंड्स एक्शन कंप्लीटेड, आपकी शॉप लिस्ट हो गई है। अब मैं एक्सप्लोर ऑर्डर पेज पर जाती हूँ। आपको यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ऑल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, टोटल प्रोडक्ट्स, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। देन आपको यहाँ मेंबरशिप डेज दिखाई दे रहे हैं रेड सर्कल में, जो कि अभी 0 है। अगर हम सब्सक्रिप्शन करते हैं तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के डेज दिखाई देंगे। देन उसके ऊपर बेल आइकन है फ्रेंड्स, इसमें आपको हर तरह की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं लोकेशन में। देन इधर ब्रांड के बगल में आपको 3 हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ ग्रीन कलर लेबल दिखाई दे रहा है एक्टिव का। अगर आप किसी वजह से छुट्टी पर हैं या शॉप ओपन नहीं कर सकते तो आपको इनएक्टिव करना है। अगर आप शॉप खुली रखेंगे तो आपको एक्टिव करना है। फ्रेंड्स आप इनएक्टिव करेंगे तो आपकी शॉप कस्टमर ऐप में नहीं शो होगी, अगर आप एक्टिव करते हैं तो आपकी शॉप शो होगी। देन होम बटन में वही कुछ आपको शो होगा जो मैंने दिखाया। देन प्रोफाइल सेटिंग आपको करनी है, मैंने प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक किया,
फ्रेंड्स आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है डिलीवरी ऑप्शन, एक है पिकअप ऑप्शन। फ्रेंड्स आपको यहाँ जो चाहे आप यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप डिलीवरी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से डिलीवरी नहीं दे सकते तो आप पिकअप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। देन हाउ मेनी किलोमीटर सर्विंग, इसमें आप कितनी दूर तक अपने स्टोर दिखाना चाहते हैं ये आपको डालना है। जैसे मैंने डाल दिया 6 किलोमीटर। देन आप डिलीवरी ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको इधर पर किलोमीटर डिलीवरी चार्जेस डालने हैं। ये मैंने पर किलोमीटर पर 20 डाल दिया। देन फ्री डिलीवरी है वो, अगर आप ज्यादा खरीदारी पर फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप कितनी अमाउंट के बाद फ्री डिलीवरी देंगे ये आपको यहाँ डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 10,000 पर ये अपडेट। फ्रेंड्स हमारी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। देन यहाँ अब मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करने का दिखाऊंगी, आप अपने स्टोर में कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने डाल दिया ऐड प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का नेम डालना है। मैंने डाल दिया। देन आपको सब कैटेगरी डालनी है। देन आपको इसका प्राइस डालना है, ये मैं डाल देती हूँ। ये ओरिजिनल प्राइस हो गया। फ्रेंड्स आप अपने ग्राहक को कितने में ये बॉल बेचना चाहते हैं ये आपको यहाँ डालना है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ फुटबॉल की बगल में आपको ब्रैकेट में ये पर पीस के हिसाब से आता है या किस चीज में आता है ये आपको यहाँ प्रोडक्ट के बेस आपको यहाँ डालना है। फुटबॉल तो पर पीस के हिसाब से ही आता है तो मैं यहाँ 1 पीस ऐसे डाल देती हूँ। आपको प्रोडक्ट के हिसाब से आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे कि क्रिकेट किट सेट आता है तो आप सेट भी डाल सकते हैं क्रिकेट किट को। देन यूनिट में मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 पीस पर पीस के हिसाब से। देन आपके पास कितना स्टॉक बचा है ये आपको यहाँ डालना है। देन आप आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। आप आपके हिसाब से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। देन आपको प्रोडक्ट की फोटो ऐड करनी है। ये हो गया फ्रेंड। देन ऐड प्रोडक्ट, फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट एडेड हो गया है। ओके देन आपको यहाँ एडिट प्रोडक्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपके प्रोडक्ट में कुछ प्राइस मिस्टेक या कोई मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो भी यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, आपने या आपने प्राइस गलत डाला है तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। देन ऑर्डर्स में आपको हर तरह के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, ये सब आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। देन रेटिंग एंड रिव्यू, आपकी शॉप के बारे में लोग क्या राय रखते हैं, आपकी शॉप किस या आपकी शॉप कैसे प्रोडक्ट रखती है ये आप यहाँ जान सकते हैं रिव्यूज के थ्रू। इसमें आपको हर तरह का रिव्यू मिल सकता है। देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ बहुत से पैकेजेस दिखाई दे रहे हैं, 30 डेज का, 180 डेज का, या जो चाहे आप यहाँ से ऑप्शन चूज करके पे कर सकते हैं। आपको जितने दिन का पेमेंट करना है आप यहाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ 30 डेज का लेती हूँ, ये मैंने पे नाउ कर दिया।
कि आपको मोबाइल की तरह ही रिचार्ज करना है फ्रेंड्स, आपकी शॉप का भी जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो वैसे ही ये भी करना है। मैंने पे नाउ पर क्लिक कर दिया। यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रेंड्स पेमेंट करने के। यहाँ आप देख सकते हैं कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं। देन मैं यहाँ वॉलेट पर क्लिक करती हूँ। फीचर्स 118 फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ डालना है। देन सेव। ये हो गया फ्रेंड्स एक्शन कंप्लीटेड, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फ्रेंड्स आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन के डेज दिखाई दे रहे हैं और रिमाइनिंग डेज भी आपको यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा शॉप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है कस्टमर ऐप में, आप देख सकते हैं पेमेंट के बाद। तो मैं अगर आप कोई प्रोडक्ट बुक करता है तो कैसे एक्सेप्ट करना है मैं आपको ये दिखाऊंगी। तो इसके लिए हम कस्टमर ऐप में चलते हैं। ये मैंने कर लिया कस्टमर ऐप ओपन। आपको स्पोर्ट्स स्टोर लेना है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टोर दिखाई दे रही है वरुण स्पोर्ट्स स्टोर, मैंने क्लिक कर लिया। देन ऐड, ये सक्सेस कार्ट में ऐड हो गया है। देन कार्ट ओपन कर लेती हूँ। ये आपको यहाँ प्राइस टोटल दिखाई दे रहा है। देन चेकआउट, मैंने ये ऑफिस का एड्रेस पहले ही सेव कर रखा है तो ऑफिस पर क्लिक करके कंटिन्यू सक्सेसफुली ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया है सक्सेसफुल। तो अब वेंडर ऐप में एक्सेप्ट करने का दिखाऊंगी। थ्री हॉरिजेंटल अगेन, देन यहाँ पर आप ऑर्डर्स में देख सकते हैं ये ऑर्डर आया है तो इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। आप ग्राहक को डायरेक्ट कॉल नाउ भी कर सकते हैं और लोकेशन भी जान सकते हैं। तो ये मैं एक्सेप्ट दे देती हूँ। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट। देन ये कंफर्म ऑर्डर्स में सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने अगर ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, ये आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको कंप्लीटेड पर क्लिक करना है, ये डिलीवर्ड ऑर्डर्स में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना शॉप बिगमेदास वेंडर ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट के थ्रू बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।